क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब से कुछ देर बाद वनडे मैच शुरू होने वाला है और मैच से ठीक पहले, टॉस से ठीक पहले टीम तैयार हो गई है, टीम फाइनल हो गई है और वही टीम हम आपको बताने जा रहे हैं जो कुछ देर बाद मैच खेलने मैदान में उतरेगी, जिसमें बॉलर्स को मजबूरी में बदलना पड़ा है तो बल्लेबाजी में भी भारी भरकम बड़ा बदलाव हुआ है जिससे पूरी की पूरी टीम बदली भी नजर आएगी। तो आपको बताते हैं टीम और टीम के बदलाव, आप भी इस वीडियो को शेयर करें और इन बदलावों से आप कितने सहमत हैं कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच आज से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। मीरपुर के मैदान में सुबह 11 बजे टॉस होगा और ठीक 11:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। अब इस मैच से पहले, टॉस से पहले रोहित शर्मा ने भारत की टीम फाइनल कर दी है, जिसमें कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बदलाव आपको बताते हैं, टीम भी बताते हैं। पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बल्लेबाजी ऑर्डर न्यूजीलैंड सीरीज के बाद पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। कप्तान रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं तो तय है कि रोहित ही ओपनिंग भी करेंगे और रोहित का जोड़ीदार कौन होगा, सवाल ये बना हुआ था। तो अब ये तय हो गया है कि रोहित के साथ शिखर धवन ही पारी की शुरुआत करेंगे। गब्बर और हिटमैन की जोड़ी लंबे समय बाद एक साथ ओपनिंग करने मैदान में उतरेगी, लिहाजा यहाँ पर बड़ा धमाल होना तय है। तीसरे नंबर पर कोई डाउट ही नहीं है, विराट कोहली वापसी कर रहे हैं तो विराट ही यहां पर खेलेंगे, उनकी जगह बिल्कुल पक्की है। और इसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे इन फॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि लगातार पिछली सीरीज में नंबर 3 खेलते रहे विराट की एब्सेंस में, लेकिन अब विराट की वापसी पर खेलेंगे तो जरूर, लेकिन चौथे नंबर पर आकर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। पांचवे नंबर पर खेलने उतरेंगे केएल राहुल। जी हां, राहुल को मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग कराई जा रही है, राहुल टीम के उपकप्तान भी है, लिहाजा उनका खेलना कन्फर्म है और पांचवे नंबर पर आकर वो बल्लेबाजी करेंगे। जबकि इसके बाद छठे नंबर पर ऋषभ पंत खेलने आएंगे, जो कि टीम के विकेट कीपर भी हैं और पंत पर बड़ा दबाव है रन बनाने का। रन नहीं बने तो अगली सीरीज में या कहें कि इसी सीरीज के आखिरी मैच में टीम से बाहर हो सकते हैं, उनके पीछे और भी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं टीम में शामिल होने के लिए। अब इन 6 बल्लेबाजों के बाद सिर्फ 5 ही गेंदबाज रखे जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो बताते हैं आपको वो 5 गेंदबाज। अब स्पिनर्स में 2 स्पिनर यहां रखे गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर का न्यूजीलैंड दौरा काफी अच्छा रहा था, चाहे वो बॉलिंग से हो या फिर बैटिंग से, लिया जा सुंदर को यहां पर फिर से मौका मिल रहा है। सुंदर खेलेंगे, लीडिंग ऑलराउंडर टीम के रहेंगे और उनका साथ देंगे दूसरे स्पिनर अक्षर पटेल, जो कि लंबे समय से खेल रहे हैं और अच्छा भी खेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप उनका खासा खराब गया था, लिहाजा अक्षर पटेल पर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर 3 पेसर्स खिलाए जाएंगे, लेकिन मजबूरी में यहाँ पर पेस अटैक को बदलना पड़ा है, क्योंकि मैच से ठीक पहले, टॉस से पहले मोहम्मद शमी चोटिल हो गए हैं। तो ऐसे में दीपक चाहर यहाँ पर टीम की पेस बैटरी को लीड करेंगे, नई गेंद से शुरुआत करेंगे और विकेट निकालने का जिम्मा भी उनके पास होगा और उनका साथ नई बॉल से देंगे मोहम्मद सिराज, जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी उन्होंने अच्छी की है और बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं, लगातार न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था। तीसरे पेसर के तौर पर यहाँ पर 2 विकल्प हैं, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप सेन। वैसे तो शमी के विकल्प के तौर पर उमरान मलिक को चुना गया है, लेकिन उमरान बीती शाम ही ढाका पहुंचे हैं, लिहाजा उमरान आज का मैच खेलेंगे नहीं। तो ऐसे में कंफर्म है कि कुलदीप सेन को यहाँ पर बड़ा मौका मिल सकता है और कुलदीप सेन यहाँ पर वनडे मैचों में डेब्यू कर सकते हैं और पहली बार यहाँ पर बांग्लादेशियों के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, जो कि एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि कुलदीप ने घरेलू मैचों में आईपीएल में बेहतरीन खेल दिखाया था, तो उनको यहाँ पर इसका अवार्ड मिला है, टीम में शामिल किया गया था और अब यहाँ पर शमी के चोटिल होने के बाद उन्हें मौका मिला है टीम इंडिया में खेलने का, डेब्यू करने का। तो लिहाजा कुलदीप टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो आप हमको बताएं आपको इस टीम पर क्या कहना है, कितनी बदलाव और इस टीम में होनी चाहिए, क्या जरूरी है इस टीम में बदलाव, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच खेलेगी और इस सीरीज की शुरुआत हो रही है वनडे मैचों से। सभी दिग्गज, सभी सीनियर खिलाड़ियों को वापस लाया गया और सभी खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। हालात तो ये हैं कि कई दिग्गजों को बेंच पर यहाँ बैठना पड़ सकता है, प्लेइंग 11 में खेलने तक के लाले पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि केएल राहुल जैसे जो कि उपकप्तान भी हैं, उन्हें भी टीम में जगह बनाने के लिए मुश्किलात आ सकती है। तो अब ऐसे में 2 दिग्गजों पर सबसे बड़ा संकट आ गया और उन दोनों को हर हाल में रन बनाने होंगे, हर हाल में रन नहीं बने तो टीम से बाहर होंगे और खास तौर पर 3 शर्त
शर्तों के आधार पर खुद को परखना होगा, खुद को साबित करना होगा। अब इसमें पहला नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे सीधे पंत को टीम से बाहर करने की डिमांड अब बढ़ने लगी है। वैसे भी पंत को लगातार कई मौके इस बीच मिले हैं, लेकिन पंत का खेल लगातार खराब हो रहा है। अब भले ही पंत का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म उनकी बेहद ज्यादा खराब है और इसी वजह से अगर इन तीन वनडे मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चलता है, या कहें कि पहले दो वनडे मैचों में भी पंत का बल्ला खामोश रहता है, तो फिर आगे के मैचेस में श्रीलंका वाली सीरीज के लिए पंत टीम से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। ऋषभ पंत को आगे मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी वनडे मैचों में ईशान किशन बैकअप ओपनर है, तो वहीं केएल राहुल भी है जो कि बतौर कीपर जगह टीम में बना सकते हैं। दूसरा नाम है शिखर धवन, जो कि अभी पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में कप्तान भी थे। जी हाँ, उन्हें भी रन बनाने होंगे, उन्हें भी हर हाल में बल्ला दिखाना होगा, ताबड़तोड़ बारियां खेलनी होंगी, क्योंकि धवन को वैसे ही टीम मैनेजमेंट बाहर करने पर तुला हुआ है और धवन की उम्र ज्यादा हो चुकी है, वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में वो है नहीं, तो धवन को यहाँ पर अच्छा खेल हर हाल में दिखाना ही होगा। लिहाजा गब्बर को रन बनाने होंगे और अगर गब्बर रन नहीं बना पाते हैं तो वो भी टीम से बाहर हो जाएंगे। हालांकि शुरुआती मैचों में शिखर धवन और रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर शिखर धवन भी पहले दो मैचेस में फेल होते हैं तो फिर वहां पर भी ईशान किशन और केएल राहुल में से किसी एक को ओपनिंग में मौका मिल सकता है, धवन की जगह वो खिलाड़ी ले सकता है। लिहाजा गब्बर को भी हर हाल में रन बनाने होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए तीन शर्तें हैं और तीन ही शर्तों में उनको पार पाना होगा और इनमें पहली शर्त है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब दोनों ही खिलाड़ी वैसे नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो दोनों को ही ताबड़तोड़ शॉट्स दिखाने होंगे और दिखाना होगा कि वो वनडे मैचों में लिमिटेड ओवर्स के गेम में ताबड़तोड़ खेल दिखा सकते हैं। अब दूसरी शर्त है दोनों ही बल्लेबाजों को टिककर खेलना भी होगा, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में आते हैं और दोनों ही खिलाड़ियों को लंबी पारी खेलनी होगी और ये भी दिखाना होगा कि वो न सिर्फ ताबड़तोड़ खेल सकते हैं बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते हैं और टीम को लंबी इनिंग दे सकते हैं। और तीसरी और जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि मझधार में फंसी टीम को संभालना, जो कि बहुत जरूरी है और ये शर्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिखर धवन ऋषभ पंत दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों के लिए यहाँ पर खास तौर पर ये देखना होगा टीम मैनेजमेंट को कि ये दोनों खिलाड़ी अगर टीम मझधार में फंसती है, विकेट जल्दी गिरते हैं, तो ये फिर खिलाड़ी कैसे टीम को संभालते हैं और कैसे आगे लेकर टीम को जाते हैं। और उसके बाद ही इन तीन शर्तों के आधार पर इन दोनों को तोला जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद आगे का फैसला होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये दो वो नाम है जिनको रन बनाने ही होंगे, हर हाल में रन बनाने होंगे और रन नहीं बने तो फिर अगली बार टीम से बाहर हो जाएंगे, भले ही आप पिछली सीरीज में कप्तान और उपकप्तान क्यों नहीं थे। तो आपका क्या मानना है, कितना दम है इस बात में, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।